बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस करके थक गए हैं, एक नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस आपने किया है बंद हो चुका है, फेल हुए हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। दोस्तों एक बंदा है 1009 बार फेल हुआ है। दोस्तों मैं दिनेश फ्रॉम दीवान गारमेंट से दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दीवान गारमेंट और लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों को। कर्नल सैंडर्स KFC के मालिक, दोस्तों इन्होंने 65 साल की उम्र में अपना चिकन्स का बिजनेस शुरू किया 65 साल की उम्र में, वो भी एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार या 100 बार नहीं फेल हुए, पूरे 1009 बार फेल होने के बाद अपनी 65 साल की उम्र में इन्होंने KFC का बिजनेस शुरू किया। और दोस्तों आज आप KFC तो समझते ही होंगे कि उसका बिजनेस कहां से कहां तक है, सारी दुनिया में फैला हुआ है और हर जगह फेमस है। तो दोस्तों जब कोई बंदा 1009 बार फेल होके इतना सक्सेस बिजनेस 65 साल की उम्र में कर सकता है तो आप क्यों नहीं। दोस्तों कल शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, लेगी, कुर्ती, आप जो भी कपड़े ले रहे हैं, जो भी कपड़े पहन रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें स्क्रीन ज़रूर है, प्रिंट ज़रूर है, भले छोटा सा लोगो है या बड़ा प्रिंट है, कुछ भी है प्रिंट ज़रूर है। तो दोस्तों प्रिंट में लगता क्या है, सबसे पहले ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा, टेबल की जो साइज़ है 4 से लेके 5 फुट की है, 4x8 है, 4x5 है, जो भी साइज लगे ये आपको एक टेबल बनाना है। और दोस्तों सबसे पहले आप एक पेन ले लीजिए और कागज़ लिख लीजिए, पूरा नोट कीजिए कि इसमें खर्चा क्या है। दोस्तों जो टेबल का खर्चा है 2 से 2500 रुपये टेबल का खर्चा जाएगा आपको। उसके बाद इसमें कलर, जो कलर लगता है, जो पेंट लगता है, उसकी कीमत 300 से 350 रुपये 250 रुपये है। यह सेकंड हो गया। थर्ड हमको लगेगा एक फ्रेम जिससे हम प्रिंट करेंगे, इसकी भी साइज आपको कंप्यूटर से जो प्रिंट्स का जो डिज़ाइन हो निकालने के बावजूद ये फ्रेम लगेगा, जो मार्केट में आपको 80 से 90 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मिल जाएगा। ये 3 आइटम हो गए। उसके बाद दोस्तों हमको लगेगा एक चमक वाला पेपर जो हमको फ्यूजिंग में काम आएगा, और ये फ्यूजिंग मशीन। दोस्तों फ्यूजिंग की मशीन की जो कीमत है वो आप सेकेंड में लेंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपया, नया लेने जाएंगे तो इसकी कीमत मार्केट में 40 से 45 हज़ार रुपये। तो दोस्तों अगर हमको कम लागत करनी है तो ये सेकेंड में हमको आसानी से मिल जाएगा, जिसकी कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये है। और इसके साथ में एक कंप्रेसर है जो ये हमारे फ्यूजिंग मशीन में काम आता है, इसकी कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये है, नया लेने जाएंगे तो दोस्तों 30 से 35 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाएगा, सेकेंड में भी 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो ये 5 आइटम हैं जो हमारे प्रिंट में लगते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं, आइए देखते हैं प्रिंट कैसा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये जीन्स का मिनी पॉकेट है जो हम प्रिंट करेंगे, इसको पहले जो बंडल रहते हैं ऐसा निकाल लेते हैं, इसको घड़ी कर लेते हैं क्योंकि हमको जल्दी करना रहता है, तो हम इसको पूरे बंडल को एक तरफ से कर लेते हैं। दोस्तों ये फ्रेम है, फ्रेम में डिजाइन देखिए, जो डिजाइन हमको सिलेक्ट करना है, जो डिज़ाइन हमको मानना है, उसको जो है हम बाकी के डिज़ाइनों को टेप से जो है ढक देंगे। सबसे पहले उसको साफ कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि डिज़ाइन मारा हुआ रहता है तो इसमें कलर लगा रहता है, तो इसको पहले राखेल से साफ करते हैं। उसके बाद इसके आजू बाजू टेप लगा देते हैं जो बाकी डिज़ाइन ढक जाती है, और जो डिज़ाइन हमको मानने का है वही डिज़ाइन खुला रहता है। उसके बाद ये देखिए पेंट लगा के डिजाइन ऐसा मारा जाता है, रख के प्रिंट ऐसा हो जाता है, ऐसा कलर होता है प्रिंट। उसके बाद ये दोस्तों फ्यूजिंग मशीन पे आ जाता है,
प्रिंट होने के बाद थोड़ी देर सूखने के लिए रखा जाता है। सूखने के रखने होने के बाद ये फ्यूजिंग मशीन पे आ जाता है। फ्यूजिंग मशीन पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 7 पल्ले आते हैं जो टुकड़े टुकड़े हैं। उसके बाद ये फ्यूजिंग में देखिए 2 मिनट का टाइमिंग दिखा रहा है, 2 मिनट में इसका टाइमिंग पूरा होता है तो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाती है। और इसका जो टेम्परेचर रहता है 129 पे रखा जाता है, पॉकेट के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से। बात 2 मिनट में पूरा होने के बाद ये देखिए प्रिंट पूरा हो गया, पूरी तरह प्रिंट पक चुका है। अभी इसको हम किसी भी मशीन में धोएं, किसी भी साबुन से धोएं, सोडे से धोएं, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो आशा है पसंद आया होगा वीडियो।